कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं अली भाई और फराज भाई। ये एज अ डायरेक्टर भी जो है ना वर्किंग करते हैं, और फराज भाई एज अ एक्टर। और हमने एक साथ एक हमारी कंपनी लॉन्च की थी zero.org, उसके अंदर एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्टर। मैं उनका एड भी इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो चलिए इनसे इंटरव्यू करते हैं। अली भाई, आप ये बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हैं? सर 15 साल हो गया इस फील्ड में। 15 साल? और हमारी दोस्ती को भी मतलब 15 साल हो गए आज। इंशाल्लाह हम सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली साथ मनाएंगे। तो स्ट्रगल करते हुए 15 साल हो गए और प्रॉपर काम करते 3 से 4 साल हुए। और 3 से 4 साल माशाल्लाह ठीक है। और एज अ डायरेक्टर आपने कितने शूट्स किए? काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, DVCs हैं, TVCs हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, शॉर्ट फिल्म हैं, वेब सीरीज़ हैं, ड्राम हैं। अच्छा, अभी तो रिसेंटली आप जो भी इस टाइम में माशाल्लाह जो ड्रामे में जो वर्किंग कर रहे हैं, वो कौन सा ड्रामा है? अभी मैं ड्रामे के लिए तुम्हें एक सिटकॉम था प्लान, खैर वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। अभी मैं कुछ शॉर्ट फिल्म है कॉकटेल फिल्म के नाम से जा रहा था, उसके लिए एक फिल्म भी थी रम्स रिसेंट, जिसमें सलीम मेराज है, सारा उमेर है, बाबा जी है, इमरान है। इस तरह की बड़ी अच्छी एक शॉर्ट फिल्म है कॉकटेल पे रम्स के नाम से, वो कर चुका हूँ। अपकमिंग जो है वो 2-4 डिफरेंट शॉर्ट फिल्म हैं, कल्लू है, फिसलन है, कार आमद है, मॉकी मूवी। और आप एज अ डायरेक्टर एक चैनल पे भी हैं? हाँ, काफ़ी चैनल पर डायरेक्टर एंड ऑफ काम किया। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका जो किरदार है, आप माशाल्लाह हर किरदार में माशाल्लाह से बन जाते हैं, कॉमेडी हो, सस्पेंस वाला हो, रोमांटिक हो। मैंने आपके जो किरदार देखे हैं वो माशाल्लाह, मैं एक वेब भी कर रहा हूँ कि मैं एक बड़े किसी एक्टर से आपको मिल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो माशाल्लाह जो आपका जो स्ट्रगल है ना, वो आपका आप एक्टर में लग रहा हूँ। एक्टर से मिलाना है, बोलिए काम करते सारे लोग, सबका एक काम है, पूजा और अपना काम, हर बंदे का एक काम है, लगन से मेहनत से सच्चाई से काम होता है। कैरेक्टर एक्टर हूँ, इस इंटरव्यू के लिए भी देख रहे हैं ना, कोई बन बन के आया, क्योंकि गेटअप ऑलरेडी अभी आ रहा है, एक चैनल से ड्रामा आ रहा है मेरा वजूद मेरी मर्जी, तो उसमें एक वडेरे का कैरेक्टर है जिससे नेगेटिव फैक्टर है, तो उस गेटअप में हूँ। इवन मैंने अभी लास्ट एक ड्रामा किया है, तो उसमें मैंने स्वीपर जो होता है आपकी, कैरेक्टर इसीलिए करने पड़ते हैं कि काम से प्यार होना पड़ता है। हमारे अक्सर ये देखा जाता है कि कोई नया लड़के वो सीजन भी नहीं किया हो, उससे आप पूछेंगे, जो अपकमिंग बंदा है वो चाहता है कि उससे पूछेंगे ना काम क्या करना है, सर एक्टिंग करिए, सर आ जाओ, जब आ जाओ तो बोलेगा मेकअप पहले होना चाहिए, कपड़े बड़े साफ सुथरे होने चाहिए। भाई अगर नौकर का कैरेक्टर है हीरो लगने चाहिए, एक्टिंग का तो मतलब हर किरदार एक्सप्रेस किसी भी तरीके का, कोई एक्टिंग में जो है ना किरदार आपके नहीं एक्सप्रेस करना आप, ठीक है, आपने कंसीव करना उसको, कैरेक्टराइजेशन हमारे यहाँ बहुत कम होता है, कुछ बहुत बड़ा कोई इस तरह का एक्टिंग, लेकिन कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी
मैंने एक बड़ा वायरल क्लिप था बस कनेक्टर वाला पठान वाला, हाँ वो मैंने देखा है, देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा व्यूज है, मिलियंस बिलियंस में व्यूज है, अभी तक पब्लिक नहीं पहचानती मैं, बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है निदा आपा है उसमें, उसमें जो है वो क्या नाम है वो हीरोइन जो है नाम वो है किरण वो है, किसी ने भी पहचाना वो मैं अभी बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पंजाबी पठान में लड़ भी रहे हो लेकिन अभी तक किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया कि वो बंदा है। तो नॉर्मली आप वैसे भी आपका एक किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने फर्स्ट टाइम मुझे एक वीडियो आपकी भी शेयर की थी फर्स्ट टाइम, इसके अंदर आप ऐसा विलन थे और घर के अंदर एक्टर होते हैं और फोन से जो है नाम लगाते हैं वो मेरा इस्तेफाक से पहला काम था, हाँ ठीक है, और मतलब सही प्रॉपर जो पहला काम था वो पहला काम फर्स्ट टाइम में हुआ था, और मैं ऑनेस्टली में बताना चाहूँगा उनको पता चले वो काम हमें कैसे मिला था, इस्तेफाक से हम दोनों साल ए आर वाई से वो था एक रिनिकमेंट होता था जाम का, हम दोनों स्ट्रगल करते थे, हमने तय किया कि भाई काम चाहिए क्या करें जान के कारण आओ नहीं हमारे मतलब था नहीं ऐसा कोई सोच नहीं, हम दोनों बाइक पर डबल सवारी पर बाइक बाइक पर डबल सवारी पर बैठे पूछते पूछाते भी वो इंडस्ट्रियल एरिया में नाजमबाग अभी चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ए आर वाई का ऑफिस होता था, हम दोनों आप यकीन के वहाँ खड़े हो गए वहाँ पहुँचते हो गए आप सोच रहे कि काम कैसे लें किससे लें कोई जानते जानते हैं नहीं, बड़ा बेहतरीन वाक्य बता रहा हूँ मैं, देखने वालों को पता चलेगा कि स्ट्रगल किस तरह से होनी चाहिए और हमने कोई कमाल नहीं किया, हमसे बड़ी स्ट्रगल की भी है करनी चाहिए बताना चाहिए। अच्छा तो वहाँ पहुँचे अब जी एयर वाई के गेट पे खड़े हुए, कोई जानता है नहीं, कोई इतने बड़े एक्टर है नहीं ना शक्ल से इतने बड़े एक्टर है, तो अब करेंगे भाई, हमने सोचा है किसी से बोलते कि यार हमें एंट्री करवा दो बाकी हम देखेंगे, आप यकीन जानो वहाँ की कैंटीन के लिए जो चाय बिस्किट वाले आते हैं एक कुरियर बॉय आया, कुरियर बॉय नहीं था एक कैंटीन होती ना वहाँ पे जो केक बिस्किट सप्लाई करते हैं, हमने उनको पकड़ा, हमने कहा यार वो एंट्री तो बोला भाई एंट्री मैं करवाऊँ आप तो हमका एक्टर बोला एक्टर और बेकरी वाला एंट्री कराएगा, मैंने कहा एंटर करवा दो, उसने किसी से बात की गार्ड से बोला यार उन्होंने अंदर छोड़ा अब हम खड़े हुए, तो इसने बोला एक डायरेक्टर आना है अली जैदी, मैं उनका नाम लाजमी लूँगा उस बंदे का बड़ा एहसार है मेरा, तो हम वेटिंग पे रहे उस हमें एक बेकरी वाले ने 11 का गेट क्रॉस करके अंदर खड़ा कर दिया, अब हम वेटिंग पर रहे कोई डायरेक्टर आया तो मिलने गए, एक डायरेक्टर साहब आया लड़का साहब ने कुछ दिन एक्टर बड़ा अच्छा, हाँ भाई गार्ड ने बोला सर ये एक्टर है, बोला एक्टर है तो यार क्यों करें, बोला सर वो मिलना चाहते किसी से या डायरेक्टर से, तो मुझे देखा हम दोनों को देखा वापस आया उसने बहुत क्लियर बात की, बोला यार 5-5 7 से लोग हमें कॉल करते हैं कॉल रिसीव नहीं करते मैसेज करते हैं ट्राई नहीं देते किसी भी होते हैं टाइम नहीं मिलता नहीं भी मिलता, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बातें चाहते हो कि अल्लाह चाहता है तुम्हारा तुम यहाँ तक आए हो ना, तो चलो आप यकीन जानो फर्स्ट टाइम हम इस तरह से एंटर हुए उसके वक्त कभी कहा नहीं पड़ता यार भाई का अंदर से शक्ल देखा ऑफिस का वही जाकर उसने हमें बिठाया, हाँ भाई मेरे करने का तो करने की कैरेक्टर पूरी कर ली स्क्रिप्ट दिया दोनों मतलब पढ़ लो पहले काम के बाद बच्चे कर लो बात मेरा हुआ इसका अफसोस नहीं हुआ, वो करके आया इसी कैरेक्टर की बात वो डायरेक्टर मुझे नाम मंजूर साहब से खैली मैं पहुँचा अभी तीन जाने जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे डायरेक्टर ने मुझे उससे बोला कि वो है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा कैरेक्टर है और वो बन देखा मैं खुद बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था ना जब मुझे आए हमारी नई दोस्ती हुई थी और उन दौरान वो मैंने क्लिप मैंने यकीन देखा दोस्तों को मैं शेयर किया था उन्होंने बताया था बहुत सौखन से बताया था कि मेरे जो दोस्त है और इसकी ये वीडियो है और आप सब उसको देखें मुझे बहुत मैं यकीन कर मैं इम्प्रेस हुआ था क्योंकि एक दोस्त और एक ऐसे मकाम को और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है और इतने मेहनत से कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए सारे दोस्तों को, वो यकीन करें मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था, मुझे फील हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कि मैं आपको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो आपने जो काम हमें 10-15-20 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो बड़ा अच्छा आदमी करते हैं ये है वो है वो मेहनत करते हैं, हम लोग सोचते रहे भी 5,000 लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ सोचते होंगे लेकिन सोचते रहेंगे आपने स्टार्ट
माजी में मैंने बहुत काम किया सिंधी मीडियम बेसिकली ये जो 15-16 साल की उम्र का ले रहा हूँ 11 साल मैंने सिंधी मीडियम में लिया ठीक है कहीं ना कहीं उसको मैं ये भी कहता हूँ कि ज़ाया कि उसका ज़ाया रीज़न ये है कि इतना बड़ा स्कोप है जब आपका निजी हिंदी चैनल हो पंजाबी हो पश्तो हो रिलीजियन इंटरनेशनल जो उस तरह का होता है ना उसका मतलब ये होता है कि उसकी एक मखसूस जो है ना व्यूअरशिप होती है अक्सर सिंधी चैनल सिंधी देखेगा पंजाबी चैनल पंजाबी देखेगा अब उर्दू इंटरनेशनल है बेसिकली तो वो सब देखते हैं तो 11 साल मैंने वहाँ दिए जाया इन सेंस कि वो टाइम लगा लेकिन सीखा भी बहुत उन ड्रामों के अंदर जो है आपका जो सबसे जो बेहतरीन किरदार रहा वो कौन से ड्रामे का था वो कौन सा सीन था हिंदी की बात हिंदी में मैंने बेसिकली कुछ गाने भी किए म्यूजिक वीडियो वो अच्छा हाँ गाने का तो मुझे याद है आपने गाने किए थे गाना बड़ा अच्छा था दो तीन गाने बड़े बहुत वायरल हुए ड्रामा को लेकर काम इतना ज़्यादा नहीं किया तो मैंने अभी रिसेंटली दो साल पहले एक ईद प्ले किया था मोमी एंड फिल्म वो आप जरूर देखिएगा बीच में भी आपको तो वो बड़ा अच्छा अच्छा अली भाई आपका जो फेवरेट जो पाकिस्तान के अंदर जो सिटी है या गाँव वो कौन सा है आपका सर सिटी को लेकर तो जाहिर सी बात है कराची कराची वाडावा जहाँ रहते हैं वहाँ का कैसे नहीं होगा बिल्कुल और जहाँ तक गांव की बात है तो अपना गांव अपना गांव गांव मेरा है टीवीएस दादू हमारा ठीक है गांव हमारा है खानपुर जो है ठीक है कैन शाकी अगर आप पूछेंगे तो काफी हद तक ब्लैक रेड वाइट ये दो तीन कलर जो है बहुत ज्यादा सर ये मैं बड़ा अच्छा सवाल मैं बताना नहीं चाहूँगा और ये मैं अपने पाकिस्तान से भी हैं और बहुत दोस्त मुल्क के लें दुश्मन मुल्क के लें वहाँ से भी ठीक है तो पाकिस्तान में तो सलीम मेराज एक एक्टर है बड़े कमाल शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़े एक्टर हैं भले वो आपके फिरोज भाई हो दानिश भाई हो दोस्त से काम करते हैं लेकिन सलीम मेराज कमाल मतलब दिल पे लगते हैं वो बेसिकली नेचुरल एक्टर वो कहीं भी जैसे आप बोलते हैं ना मैं शायद की दिल को बहुत बड़ा जैसे सलीम मेराज ये एक एक्टर हैं सलमान शाहिद साहब एक वो है एक मंजर सेवाई साहब हैं वो बड़े अच्छे एक्टर हैं लड़कियों में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यूना रेड्डी आई थिंक पाकिस्तान की सबसे फाइनेस्ट एक्टर हैं बड़ी पसंदीदा एक्टर हैं वो इस तरह फाज मुस्तफ़ा बहुत कमाल एक्टर हैं बहुत अच्छा अब आप मुझे बताएं कि मैं आपसे तीन लोगों के नाम शेयर करता हूँ इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान के पास तो इंडिया जो हमारे जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप किसको लाइक करते हैं दो मिनट मैं आपको तीन नाम देता हूँ उम्र दो मिनट क्योंकि वो मेरे पसंदीदा हैं अब देखिए हमारी चॉइस कितनी नहीं होगी पहला सलमान खान संजय बाबा शाहरुख खान आप किसको लाइक करेंगे सर इन तीनों में से बताना है कि कैसे जाओ तीनों में से सलमान खान संजय दत्त और शाहरुख खान शाहरुख खान और चौथा नाम खान सर चौथा नाम आपने गलत नहीं है ना आमिर खान आमिर खान आमिर खान और जो मतलब के जैसे के विलेन वाले जो किरदार में जो है वो इंडिया में एक एक्टर है अशोक शर्मा जानवर का वो है ठीक है मनोज वाजपेयी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बड़ा फैन अच्छा पाकिस्तान के हमारे सबसे बहुत बड़े एक्टर थे मोहम्मद अली खान मोहम्मद उनकी जो शख्सियत है उनका जो किरदार है आप किस नजर से देखते हैं मतलब कि क्या मतलब आप सर वो जुमला शायद बनाया गया होगा कि बड़ा मुझे उनके पास तो कौन होते हैं हम उनके ऊपर कमेंट करने वाले कमेंट नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो
बहुत मतलब ये कि उनका जो किरदार है वो आपको मतलब कि आप किस तरह समझते हैं कि जो ना उनका किरदार उनके मुकाबले में अभी इस टाइम पे कोई रिसेंटली कोई एक्टर कर रहा है? मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े एक्टर थे, खैर उनके दौर में ही एक और एक्टर था नदीम साहब वो बहुत कमाल एक्टर था। तो नदीम साहब उनका वैसे ऑटोमेटिक है, इस दौर में मैं उनसे कंपेरिजन की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन फाद मत अच्छा। और जो पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनमें से आप किसको लाइक करते हैं? सर पाकिस्तानी सिंगर्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सुनता था, ठीक है। अच्छा मैं नए सिंगर्स के काम में तो मैं भी सुनता था, ठीक है। सजाद भाई और सर मैं बेहदी का तैयार हूँ, और मैं ज़रूर यहाँ पर बता चाहूँगा कि एक जो सिंगर है मंजूर शकीरानी सिटी सिंगर है, मतलब उनकी लता भी फैन है और अनिल कपूर की फैमिली भी उन्होंने अनिल के नाम पे जब सलाम बहुत सारी इस तरह से बड़ा भी हुआ था अनिल मोना ने नहीं वो भी भाई है दोस्त है तो बस सजना चाहिए सिंगर मंजू से फैन मैं डायट फैन जो बहुत कमाल बहुत कमाल सिंगर है। आप देख रहे हैं अगर इनकी अगर तो देख रहे हैं आपके फैन और हमारे फैन आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं ये और मेरा चन्ना बहुत अच्छा सिंगर है जो बड़े सारे अच्छा काम करते हैं लेकिन आपके फेवरेट होते हैं। अरे भाई आपसे तो माशाल्लाह से बहुत बात हो गई, अब हम फराज भाई से बात करेंगे। फ्रेंड अब हम फराज भाई से आपको इंट्रो करवाते हैं। फराज भाई से ये एज ए एक्टर से पहले तो ये अभी फराज भाई आप क्या कर रहे हैं? अभी एक जॉब कर रहा हूँ मैं, एक प्रोडक्शन हाउस में, ठीक है। आपको याद है ना आपको कि हमने एक एड बनाया था डॉटो आर्टी का कमर्शियल किया था हमने, इतना मजा आया था उसके अंदर। उसके अंदर कौन कौन एक्टर थे? मोइस था उसमें बुशरा थी, आजकल बुशरा भी अच्छा काम करता है, बहुत ड्रामा में आई है, बहुत अच्छा काम करता है। राज टीवी के टेक्निकल हेड है बहुत बेहतरीन किया था हमने, हमें पता ही नहीं चला था कि सुबह 10 बजे के टाइम पे हम रात थे और कब रात के 11 बजे थे, 11 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे। मैं लोग वहाँ से अच्छा था। तो फराज भाई आपने आज तक के कितने गाने किए या कौन से थे? काउंट तो कभी नहीं किया मगर ये कि पॉपुलर नहीं है नॉट फॉर सेल चला था, उसमें नेगेटिव रोल था मैं, एक लेडी का मर्डर बाय एक्सीडेंट, तो वो रू बन जाते हैं, फिर वो आपके साथ ही मेरा बहुत अच्छा टाइम था। मैं आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अली भाई के साथ आए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा मेरे को अली भाई ने पिक सेंड की थी तो पुरानी यादों की, मैंने बोला यार मेरा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मैं इन्विटेशन दे दूँ क्योंकि देखें इनके साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा मैं मुझे पता है मैं रात के 12 भी बोलता रहा था कि वही आया थे हमने अभी क्या मुस्लिम याद है एयरटेल में है कई वर्किंग में कहाँ भी थी वही लेकिन बहुत खुश हुई थी जब मैंने आपको देखा था, मैं आपको आता हुआ देखा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपको मैसेज करें अगर बिजी होते तभी हम आपको बता देते आप आएंगे या नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोग इवेंट शूट कर रहे थे तो आपने मुझे एक मशवरा दिया था कि टिकटॉक का, हाँ कि टिकटॉक पे जो है ना आप वीडियो बनाए और आज देखे अगर यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं, और बाकी नहीं है आपने ही मुझे इस पर एक व्यू दिया था तो व्यू जो है वो ऐसा ऐसा करके टिकटॉक से जो है वो यूट्यूबर में मोटे लगे डील हो गया, तो मतलब मेरे आप
यार हम कोई अच्छा हमें कोई चीज़ आगे आ रहा है तो हम चाहेंगे किसी दूसरा को दे वो आगे बढ़े तो दुनिया कर रही है तो हमारा दो चार कहें तो और अच्छा है और कुछ चलिए अब हम इसको क्लोज करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, उससे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।